ललिता शास्त्र नामावली में तो बताया गया कि मां जगदम्बा को जो कोई दही युक्त कोई भी नैवेद्य अर्पण करे ना तो मां जगदम्बा उस पर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न हो जाने के बाद उसका सारा जीवन रस से भर देती है। जो दही होता है ना दही, वो दही रस माना गया है। मां जगदम्बा को सब नैवेद्य बहुत प्यारा है लेकिन उसमें जो दही है ना वो तो सबसे अधिक प्यारा है। तो मां जगदम्बा को जो दही है उसमें शक्कर डालकर चीनी डालकर जो मां जगदम्बा को अर्पण करते हैं उसमें चावल डालकर जगदम्बा को अर्पण करते हैं। ललिता सहस्त्र नामावली में बताया गया है कि मां को दही बहुत प्यारा है लेकिन दही के साथ चावल आदि जो मिलाकर यानी मां को अर्पण किया जाता है तो मां जगदम्बा उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते। एक बार करके तो देखो, एक महीने तक आपकी कोई भी मनोरथ अगर पूरा नहीं होता और किसी का शादी नहीं होती, किसी का हो नहीं होता, किसी का हो नहीं होता तो लगातार ऐसा शुभ संकल्प बना कर रखो कि एक महीने तक दही में शक्कर डालकर और अथवा तो जो चावल है वो चावल डालकर माता जी को हो सब मिलाकर अर्पण करो, माँ जगदम्बा आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। ललिता सहस्त्र नामावली में ये विधान बताया है।